हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो आज हम लेक्चर फोर्थ की बात कर रहे हैं। लेक्चर फोर्थ में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्प्ले या फिर वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, इनके बारे में देखेंगे। एक हम ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिस्प्ले डिवाइस आती हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है। रास्टर स्कैन, अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। डिस्प्ले आपके एग्ज़ाम में या तो ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइस करके आएगा या वीडियो डिस्प्ले डिवाइस करके आएगा। तो दोनों ही आप देख रहे हैं इसमें क्या है, दो टाइप में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ रास्टर स्कैन डिस्प्ले, सेकेंड इज़ रैंडम स्कैन डिस्प्ले। देन रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो हमारे टीवी, पुराने टीवी ही होते थे, इनमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। कैसे होता था उसे देखेंगे। वो नहीं अगर जब चल पाया तभी हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले आया। रैंडम स्कैन डिस्प्ले में आपके पास 6 डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। इनमें भी इनके पार्ट्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। रैंडम स्कैन डिस्प्ले में है कलर सीआरटी मॉनिटर। कलर सीआरटी मॉनिटर के अंदर बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड शैडो मास्क सीआरटी है। सेकेंड इज रिफ्रेश रेट्यू। थर्ड है आपकी 3D व्यूइंग डिस्प्ले DVST। फोर्थ वन, फिफ्थ है आपका स्टीरियोस्कोपिक एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम क्या होता है देखेंगे। एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर दो आती है, इमेसिव एंड नॉन इमेसिव डिस्प्ले। इमेसिव मतलब जो एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या इस तरीके से। नॉन इमेसिव मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या लाइट हम एब्जॉर्ब नहीं करते। नाउ इमेसिव डिस्प्ले के अंदर तीन तरह के पैनल्स आते हैं। एक है प्लाज्मा पैनल, थिन फिल्म इलेक्ट्रोलुमिनिसियंट डिस्प्ले एंड LED लाइट इमिटेट डायोड। एंड नॉन इमेसिव डिस्प्ले के अंदर आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर आपका LCD, जिसे हम LCD बोलते हैं। तो एक चार्ट बनाया है मैंने पूरा, इसे हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। तो सबसे पहले आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से। देखिए क्या होता है कि हमारी जो LCD होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, वन सेकेंड, हमारी जो डिस्प्ले होती है हमारी, ये हमारा डिस्प्ले है और यहाँ से इसका कुछ इस तरीके से, यहाँ इसमें जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं वो होता है। यहाँ पर फॉस्फोरस स्क्रीन होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू आपकी लाइट इमिट होती है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप अक्रॉस द स्क्रीन ऑन रो एट अ टाइम। ये यहाँ पर क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बीम गई है तो ये अगर आपकी स्क्रीन है तो ये स्क्रीन में किस तरीके से जाती है, ये आपकी मैंने स्क्रीन है, ये स्क्रीन में क्या है कि आपकी इलेक्ट्रॉन बीम किस तरीके से प्रिंट होगी, टॉप से लेकर डाउन को स्कैन होती रहेगी, ये इस तरीके से पूरी स्कैन होगी और एट द एंड ये यहाँ आएगी और फिर दोबारा ये यहाँ जाएगी। तो इस तरह के जब स्कैनिंग की बात होती है तो वो रास्टर स्कैन डिस्प्ले की बात करते हैं। और दूसरा है, अभी इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगी जब आप इसके टाइप ऑफ स्कैनिंग की बात करेंगे किस तरह की। जब यहाँ पर, हाँ मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये जैसे डायग्राम बनाया है, ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन में ये आपकी स्कैन लाइन है। जब आप स्कैन लाइन, एक स्कैन लाइन गई फिर दोबारा से हम यहाँ जाते हैं, फिर हमने स्कैन करा फिर दोबारा गए, फिर स्कैन करा फिर दोबारा गए, तो ये क्या होता है। उसके बाद जब हम पॉइंट लास्ट में पहुंच जाते हैं, अगेन वी गो टू द फर्स्ट वन। तो ये हॉरिजेंटल ट्रेस रीट्रेसिंग हो गया है स्कैनिंग लाइन में, और ये हो गया वर्टिकल रीट्रेसिंग जब हम इधर से इधर को जाते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है, कैसे हम कहते हैं, हम कहते हैं हमने ये हमने जैसे जी मैंने प्रिंट करना है, ठीक है, मैंने क्या करा, ये मैंने जी प्रिंट करना है पूरी स्क्रीन में, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ
कि मेरी जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है यहाँ तक क्या हुई, ऑफ बिट, ठीक, मतलब ऑफ बिट जीरो बिट, जब यहाँ इसको कुछ मिला है तो ये वाली बिट हो जाएगी ऑन, फिर दोबारा यहाँ स्कैन लाइन सारी ऑफ, फिर ये हॉरिजेंटल रेटर्स यहाँ करेगा और उसके बाद यहाँ पर फिर ऑन होगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन फिर ऑफ, यहाँ पर ऑन, जहाँ जहाँ इसको स्कैन लाइन दिखाई देगी वहाँ वहाँ ये ऑन होगी, और जहाँ जहाँ आपको मतलब पिक्चर नहीं दिखाई देगी वहाँ ये ऑफ होगी, ठीक है। तो बीम इंटेंसिटी, अब क्या है, जो ये बीम हमारी आ रही है ये इंटेंसिटी कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी में, और उस मेमोरी को क्या बोला जाता है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट इसका है, द मेमोरी एरिया होल्ड सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू, वो जीरो और वन में इंटेंसिटी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन वन रो एट ए टाइम। स्कैन लाइन ये है और ये हॉरिजेंटल रीट्रेसिंग हो गई, ये इधर से इधर चला गया, तो दैट इज वर्टिकल स्कैनिंग, सॉरी वर्टिकल रीट्रेसिंग। अब स्कैनिंग, रास्टर स्कैनिंग में किस किस तरीके की होती है, यहाँ पर दो टाइप की है, इंटरलैच एंड नॉन इंटरलैच। इंटरलैच का मतलब क्या है, आप हॉरिजेंटल लाइन को स्कैन कर रहे हैं ट्रेस अप एंड डाउन, तो वो आपका हो गया इंटरलैचिंग, और नॉन इंटरलैचिंग हो गया टू को, ये जो इंटरलैचिंग की प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम ये है, देखो जरा यहाँ से हम गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, पूरी स्क्रीन में अगर हम जब तक गए तो लास्ट में जब तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली जो हमने, जैसे मैंने जी बताया था आपको, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, धुंधली सी हो जाती है। तो इसे, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नॉन इंटरलैचिंग पॉइंट आता है। नॉन इंटरलैचिंग क्या करता है, जो ये फेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है इंटरलैचिंग में, उसको रिमूव करता है। कैसे करेगा, वो रिमूव करता है कि इवन और ऑड स्कैनिंग, वो क्या कहता है, पहले आप इवन, ये क्या है, ज़ीरो वन, यहाँ पर एक और लाइन कर, टू थ्री फोर, इस तरीके से मैंने अगर इसको ज़ीरो से फोर तक स्कैनिंग लाइन है, तो ये क्या करेगा, ज़ीरो फिर टू पे जाएगा फिर फोर पे जाएगा, देन उसके बाद वर्टिकल में फिर से वन में चला गया फिर थ्री में गया, तो पहले इवन एंड ऑड के रूप में करता है, जिससे क्या होता है, जो फेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है या फिर वो रिमूव हो जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसका लेस रिजोल्यूशन होता है, zigzag पैटर्न में प्लॉट होता है, ये बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैंने आपको रास्टर डिस्प्ले बताया था जो ड्रॉबैक उसमें थे, वो इसमें भी थे कि आपका पिक्सेलेट टाइप का दिखाई देगा। और एक और चीज़ है कि इसका जो रिफ्रेश होता है 60-80 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक हो गया, फ्रेम पर सेकेंड इसका रिफ्रेश रेट होता है। अब वही बात करते हैं, जब इसके इतने ड्रॉबैक्स हैं, ये फेड भी हो जाता है, इसका फ्रेम जो रिफ्रेश रेट है वो भी ज़्यादा है, ठीक, मतलब कि एक सेकेंड में 60-80 करेगा, तब तक तो ये बहुत कुछ, मतलब तब तक तो बहुत सारी डिस्प्ले चलती रहेगी, आगे को चलता रहेगा, तब तक वो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा नहीं, एक और स्कैन डिस्प्ले बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, जहाँ पर डायरेक्टली, जहाँ उसको जिस, जैसे ये वाली मैंने इसको कर रखा, ये ट्रायंगल जैसा, तो मुझे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करा, और जैसे मैं पेंसिल से बना रही हूँ, एक तरीके का है कि मैं पेंसिल से इसे बना रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करा फिर इस पॉइंट पे जाके फिर यहाँ दूसरा पॉइंट आ गया फिर तीसरा पॉइंट, तो लास्ट में क्या होगा, एंडिंग पॉइंट वहीं पर आएगी। तो एक, जैसे पेंसिल से हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, सेम एज इट इज़ आप इलेक्ट्रॉन बीम से डायरेक्टली उस एरिया ऑफ स्क्रीन को, पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। अब इसमें भी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है, जैसे यहाँ रिफ्रेश बफर एंड फ्रेम बफर में था, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल, यहाँ पर एक फाइल में आपके पूरे के पूरे पिक्चर डेफिनेशन स्टोर, यहाँ बीम इंटेंसिटी 0101 ऑफ ऑन ये सब चीज़ें होती थी, यहाँ पर क्या है, सिर्फ यही पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होगी, ठीक हो गया।
और इसे आप क्या कहते हैं, वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं, स्ट्रोक राइटिंग। स्ट्रोक राइटिंग देखो, हम पेंसिल से स्ट्रोक बना के इसे बना देते हैं, तो इसीलिए इसको स्ट्रोक राइटिंग या कैलीग्राफी डिस्प्ले। कैलीग्राफी डिस्प्ले भी हमारी राइटिंग से रिलेटेड होती है, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे रैंडम आपकी राइटिंग से रिलेटेड होगी। और इसका रिफ्रेश रेट क्या होगा, 30 to 60 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक हो गया। और रिफ्रेश रेट भी इसका कम हो गया, जिससे इसका रिजोल्यूशन हाई होता है। इसका रिजोल्यूशन हाई होता है, स्मूथ लाइन प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पर जिगजैग लाइन होती है, यहाँ पर स्मूथ लाइन प्रेजेंट होती है। और इलेक्ट्रॉन बीम एग्जैक्ट वहीं पर जाता है, तो इसका फेडिंग का कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। एंड आपको जैसे मैंने रिफ्रेश रेट बता दिया, इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। तो मच बेटर इज कि आप रैंडम स्कैन डिस्प्ले का इस्तेमाल करें, और वो बहुत ही बेटर तरीका होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ करें। इसीलिए आपने यहाँ पर देखे होंगे कि रास्टर में इतना ज़्यादा आया नहीं, जो हम ओल्ड टीवी यूज़ करते थे जिसमें फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसको हटा के रैंडम स्कैन डिस्प्ले की तरफ आए, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इनको हम कलर CRT मॉनिटर के अंदर बीम एम सैडो मास्क से मेथड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।